राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे प्यारे कुपू फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे लड्डू गोपाल जी के लिए नेपी बनाना। तो फ्रेंड्स, ये वाली नेपी बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और आप इसे बहुत ही इजीली, अगर आपके पास इलास्टिक भी नहीं है, वेलक्रो नहीं है, तो भी आप बहुत ईजीली इसे बना सकते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये हर साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप सभी साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं और कैसे नेपी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये क्रीम कलर का कॉटन का फैब्रिक ले लिया है। ये समर के लिए बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है लड्डू गोपाल जी के लिए। तो देखिए, हमें सबसे पहले, मैं ये जो नेपी बना रही हूँ ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने ये 10 इंच लंबा और 3.5 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें मेज़रमेंट किस तरह से लेना है। जो मेज़रमेंट है नेपी का, वो कमर के हिसाब से सेट होगा। जैसे कि हमारे 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की जो कमर होती है वो 5.5 इंच होती है। तो 5.5 से का हम जब डबल करेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। तो 11 इंच से हम 1 इंच कम, 10 इंच। तो इस तरह से हमने लंबाई 10 इंच ली है और जो चौड़ाई है वो हमने देखिए 5.5 से 2 इंच कम ली है, तो 3.5 इंच। तो इस तरह से हमने देखिए लंबाई चौड़ाई सेट की है। अब देखिए, जब हम 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की नेपी बनाएंगे तो हम 10 इंच में 1 इंच कम कर देंगे, तो 9 इंच ले लेंगे इसकी लंबाई, और इसी तरह से चौड़ाई 0.5 इंच कम कर देंगे तो हम 3 इंच ले लेंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड, जब हम लड्डू गोपाल जी का साइज़ कम होता जाएगा तो लंबाई 1 इंच और चौड़ाई 0.5 इंच कम करते जाएंगे, और जब साइज़ बढ़ता जाएगा तो लंबाई 1 इंच बढ़ाते जाएंगे और चौड़ाई 0.5 इंच। तो इस तरह से हमें सारे साइज़ के लड्डू गोपाल जी की नेपी का नाप हम इस तरह से लेंगे और हम किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए नेपी बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखिए हमें आगे क्या करना है। ये तो हमने मेज़रमेंट सेट किया है, अब देखिए हमें आगे क्या करना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले फैब्रिक को इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे। अब देखिए, जहाँ से ओपन साइड है, देखिए जहाँ ये ओपन साइड है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ऐसे गोलाई में, कॉर्नर में कट करेंगे। देखिए, ऐसे गोलाई में, कॉर्नर में कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। तो देखिए, हमने कट कर लिया है। अब मेन इतना ही काम है। अब तो देखिए बस हमें थोड़ी सी सिलाई डालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर नेफा के लिए बनाएंगे। तो हम देखिए इस तरह से पहले थोड़ा सा मोड़ेंगे और फिर इस तरह से मोड़ के और सिलाई कर लेंगे। इसमें डोरी वगैरह जा सके बांधने के लिए हमें इतना चौड़ा ये करना है। तो देखिए, मैंने इस तरह से ऊपर सिलाई कर ली है। और फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई करने के पहले इसके दो जो ये दोनों किनारे हैं इनको हमने मोड़ के थोड़ा सा सिल लिया था, ताकि इसके तार ना निकले। उसके बाद हमने ये नेफा बनाया है। अब देखिए हमें क्या करना है। देखिए, यहाँ पे हमें बिल्कुल हल्का सा मोड़ के, ऐसे हल्का सा मोड़ के और यहाँ पे सिलाई करनी है। इसी तरह से देखिए, जैसे हम यहाँ सिलाई करेंगे इसी तरह से हमें यहाँ भी करनी है, हल्का सा मोड़ के और यहाँ भी करनी है। तो हम तीनों साइड पे इस तरह से मोड़ के हल्की सी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। ये मैंने पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा बदल दिया है, क्योंकि वाइट में क्रीम दिख नहीं रहा था। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हम इसको मोड़ेंगे, ऐसे उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रहे। अब इस तरह से देखिए, हम ये नीचे वाले दोनों मिला के और इन पर सिलाई लगा देंगे। देखिए, ऐसे सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, साथ ही हमें इसके लिए डोरी भी बनानी है। तो डोरी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए पहले हल्का सा ये हम इसको मोड़ लेंगे,
फिर उसके बाद ऐसे हल्का सा मोड़ेंगे और हमें बहुत पतली, आधा इंच से भी लगभग पतली ये डोरी बना के तैयार करनी है। देखिए इस तरह से आधा इंच से भी कम, और इस तरह से हम सिलाई करके एक लंबी डोरी तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ सिलाई लगा ली है, अब हम इसको सीधा कर लेंगे पलट के। तो देखिए इस तरह से ये हमने इसे सीधा कर लिया है। अब देखिए इसके लिए जो हमने डोरी बनाई थी, तो हमें इसका नाप किस तरह से लेना है डोरी का। देखिए हम इस तरह से ऐसे इस पे रखेंगे, जितनी इसकी लंबाई है उस हिसाब से देखिए ऐसे डबल इसका डबल कर लेंगे और उससे 2 इंच ज़्यादा ले लेंगे। तो देखिए हमने ये डोरी ले ली है, अब हम इसके अंदर नेफा की तरह इसमें डाल लेंगे। देखिए यहाँ इसे किसी भी चीज़ से इसको हम डाल लेंगे। अब देखिए हमने इसको डाल लिया है, अब ये नेपी गोपाल जी की बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको यहाँ पे सिलाई नहीं की है बगल में, ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। चलिए मैं इसको आपको अपने लड्डू गोपाल जी को पहना के भी दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से पहनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं अपने मंदिर में आ गई हूँ, अब देखिए मेरी ये प्यारे गोपू हैं, मैं इनको पहना के दिखाती हूँ आपको। देखिए ये मैंने नेपी ले ली है, अब देखिए एक तरफ से इनका पैर हम इसके अंदर डालेंगे। देखिए बस हमें एक ही तरफ से डालना है क्योंकि हमने दूसरी तरफ से तो सिलाई की नहीं है। देखिए और इन्होंने पहन भी ली, कितने इजी तरीके से पहन ली है। इसको हम थोड़ा सा धागे ने जो डोरी है उसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा इसकी जो फ्रिल आएंगी प्लेट्स आएंगी उसको अंदर की तरफ कर देंगे। और इसको हम बांध देंगे डोरी को। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स मेरे प्यारे गुप्पू ने नेपी पहन ली है, और कितने कंफर्टेबली कितने इजीली इन्होंने पहन ली है, और देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये नेपी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये नेपी बनाना, ये वीडियो कैसा लगा आपको, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, तो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।